तो आप लोगों को पता होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दो बड़े अनाउंसमेंट किया है, जिसमें बताए हैं ट्विटर के माध्यम से दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे टैक्सी ऑटो ड्राइवर को 5,000 रुपये ये दिए जाएंगे। मैंने इस टॉपिक को कवर भी किया था, वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन उस वीडियो पे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इस पैसों को लेने के लिए हमें कैसे अप्लाई करना होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करने का तिथि क्या है, अप्लाई कितने दिनों के लिए किया जाएगा। और कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है, सर आप ये बताइए, मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था, हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये आए थे, तो क्या हमें फिर से अप्लाई करना होगा या फिर ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये दिल्ली सरकार के द्वारा भेज दिया जाएंगे। तो सारा सवाल के जवाब आज देने वाला हूँ इसी वीडियो में। आगे बढ़ने से वाले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल दिल्ली में कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी बीच दिल्ली के सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल ने 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए राशन फ्री देने का घोषित किया है। इसके बाद टैक्सी ऑटो चालक को 5,000 रुपये देने का फैसला लिया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। इसके बाद इसे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको www.delhi.gov.in पे आपको विजिट करना होगा या फिर www.transport.delhi.gov.in पे विजिट करना होगा। लेकिन मैंने दोनों लिंक पे विजिट किया हूँ तो वहाँ पे अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया है। बहुत ही जल्द आप लोगों को transport.delhi.gov.in पे लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद वहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये पूछ रहे थे, सर मैंने से पिछले साल जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था तो हमने अप्लाई किए थे, तो वहाँ पे हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए थे, क्या हमें फिर से अप्लाई करना होगा या फिर ऑटोमेटिक हमारे बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएंगे सरकार के द्वारा। तो आपको मैं बता दूँ, आपने यदि पिछले साल भी अप्लाई किए होंगे और आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आए हैं तो सरकार के पास ये डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उस डाटा को जुटा रहे हैं और हो सकता है इन डाटा के माध्यम से आप लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपये भेज दिया जाएंगे या फिर लिंक प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों को रीअप्लाई करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। यदि आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।